हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है WP CLI ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 8। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट WP पोस्ट और बात करेंगे अबाउट अपडेट सब कमांड। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने क्रिएट पोस्ट कमांड के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही साथ हमने कुछ पोस्ट और कुछ पेजेस भी क्रिएट किए थे। बट इन केस अगर हम एग्जिस्टिंग पेजेस या कोई भी पेज को अगर अपडेट करना चाहें या किसी भी पोस्ट को अपडेट करना चाहें, हम कौन सा WP CLI कमांड यूज करेंगे जिसके थ्रू हम पेज या पोस्ट को अपडेट कर सकें। तो मैं जाऊँगा स्लाइड पे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, अगर किसी भी चीज़ को अपडेट करना हो तो हमें कंटेंट चाहिए, साथ ही साथ एक कंडीशन चाहिए। इसका मतलब कि जैसे कि अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को अपडेट करना चाहूँ जो कि एक पोस्ट है, अगर इस पोस्ट को अपडेट करना हो या हम टाइटल अपडेट कर सकते हैं, इसके कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं या इसके स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं, तो हमें कंटेंट चाहिए। एंड सेकेंड हमें कंडीशन चाहिए, जैसे कि पोस्ट आईडी 1 को अपडेट करना चाहते हैं और ये रहा हमारा अपडेटेड कंटेंट। अगर हम कंडीशन नहीं पास करेंगे सो उस केस में जितने भी पोस्ट हमारे WP पोस्ट में होंगे वो सारे अपडेट हो जाएंगे। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे। अगर मैं टाइप करूं WP हेल्प पोस्ट, मैं एंटर प्रेस करूंगा, सो ये रहा हमारा कमांड जो मेन कमांड है फॉर पोस्ट सेक्शन। इसके अंदर हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड अपडेट। इस अपडेट कमांड में देख सकते हैं इट अपडेट्स वन और मोर एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर हमें अपने किसी भी पोस्ट को अपडेट करना हो वी नीड टू यूज WP पोस्ट एंड अपडेट। अब इस अपडेट का हेल्प मैनुअल हमें ओपन करना है। सबसे पहले मैं इसे क्लोज करूंगा। मैं जाऊंगा WP हेल्प पोस्ट और टाइप करूंगा अपडेट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं हम देख सकते हैं ये कमांड क्या करेगा, अपडेट्स वन और मोर एग्जिस्टिंग पोस्ट। यहाँ पर हमारे पास एक सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स में अगर हम गौर करें WP पोस्ट अपडेट, यहाँ पर हमें पास करना है ID एंड दिस इज द ID मीन्स इट इज अ कंडीशन। इस ID के बिहाफ पे हम इन सारे फ्लैग्स को अपने कॉलम्स में असाइन करने वाले हैं और उसके हेल्प से हम अपने टेबल को अपडेट करने वाले हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूँ यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर अपडेट कमांड WP पोस्ट अपडेट। ये रहा हमारा पोस्ट ID और इस ID के बिहाफ पे हमने पोस्ट नेम एज वेल एज पोस्ट स्टेटस अपडेट किया है। सो चलिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इस पैनल से बाहर आऊँगा, कंट्रोल C एंड एंटर। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे WP पोस्ट अपडेट। नेक्स्ट हमें पास करना है कंडीशन, इसका मतलब पोस्ट ID। सो अगर मैं पोस्ट आईडी अपडेट करना चाहूँ मीन्स पेज अपडेट करना चाहूँ, लेट्स से सैम्पल पोस्ट क्रिएटेड बाय WP CLI जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, पोस्ट आईडी इक्वल्स टू 6। अगर मैं 6 नंबर को अपडेट करना चाहूँ, हमने यहाँ पर कंडीशन पास किया। नेक्स्ट अगर मैं इसके टाइटल को अपडेट करना चाहूँ, अपडेटेड पेज टाइटल। अगर मैं कंटेंट अपडेट करना चाहूँ सो पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट। मैं आपको फिर से बता दूं कोई भी फ्लैग याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगी जो हमने अभी ओपन किया था। या अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अलावा अगर आप देखो तो हमें टेबल के वही सारे कॉलम्स मिलेंगे। अगर मैं जाऊं स्ट्रक्चर पे यही सारे कॉलम्स हैं जो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। अगर मैं सर्च करूँ पोस्ट टाइटल, अगर मैं जाऊँ टेबल पे टाइप करूँ पोस्ट टाइटल, सो हियर इज द टाइटल। कंटेंट के लिए हम यूज करें पोस्ट कंटेंट और यहां पर है पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट। नेक्स्ट यहां पर हम अपना अपडेटेड कंटेंट पास करेंगे, सो दिस इज अपडेटेड पोस्ट कंटेंट। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस, सो बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूं वो पब्लिश स्टेटस में हो, सो 6 आईडी के बिहाफ पे हम दो वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं, दैट इज पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट कंटेंट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो सबसे पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के पहले हमें जाना होगा अपने प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर। अभी हम HTML फोल्डर में हैं,
सो सी डी वर्डप्रेस प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं. टाइप द सेम कमांड, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सक्सेस अपडेटेड पोस्ट 6. अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, वापस जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारा पेज अपडेट हो चुका है, दैट इज अपडेटेड पेज टाइटल. अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं, ये रहा हमारा अपडेटेड टाइटल एंड हियर वी हैव द अपडेटेड कंटेंट. इसी तरीके से अगर मैं, ये था हमारा पेज, अगर मैं पोस्ट को अपडेट करना चाहूं, लाइक पोस्ट 2 को पब्लिश स्टेटस में हमें करना है, अभी ये ड्राफ्ट में है. सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे. सो पोस्ट आईडी इक्वल्स टू 7, सो डब्ल्यूपी पोस्ट अपडेट 7th नंबर आईडी, और इसके स्टेटस को हमें करना है पब्लिश में. सो पोस्ट स्टेटस इक्वल टू पब्लिश. अगर मैं एंटर प्रेस करूं, अपडेटेड पोस्ट 7. अगर मैं वापस से जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं नाउ दिस पोस्ट इन नाउ पब्लिश्ड स्टेटस. सो ये था गाइस हमारा अपडेट कमांड, मींस अपडेट सब कमांड ऑफ लिस्ट पोस्ट मॉड्यूल, मींस पोस्ट मॉड्यूल. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.